हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इनका जो है कोर्स कम्प्लीट हो चुका है, और किस तरीके से हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें इनसे पूछवाते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, रिव्यू लेंगे इनसे पूरा डिटेल में अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ आपको यहाँ पर इनके द्वारा जानकारी दिलवाते हैं। सर, मेरा नाम करबीर है। किस जगह के रहने वाले? सर, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या से? तो आपको कोचिंग के बारे में कैसे मालूम है? सर, वैसे दुकान खोल लिए थे, छोटा मोटा फाल्ट बनाना जानते थे, फोल्डर लगा देना, और लेकिन जो फाल्ट वो उसे बदलना जानते थे बस। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वीडियो आपका देखा करते थे, जैसे मैं पहले भी बता चुके हैं सर कि हमारे पास कुछ नहीं काम आए थे स्पीकर लगाने के लिए, बताए थे पहले, और स्पीकर सर सही था, और वो दूसरे में लगाते चल जाता था, और हम उसमें लगाते नहीं, तो हमें ट्रेसिंग करना आता नहीं था, कहाँ का अंदर में कहाँ कंपोनेंट गड़बड़ है, कहाँ हो सकता, हम अपनी दिमाग लगाते और बेकार हो जाता है। तो आपका वीडियो भी देखते थे और लोग का भी देखते थे, तो इसी दिमाग आया कि इससे अच्छा है, और बनाने के लिए दूसरे दुकानदार के पास जाना पड़ता था, तो वो लोग और अपना भाव खाते और पैसा भी ज़्यादा लेते, कैसा टाइम मिलता कि नहीं, तो इसीलिए हम कहे उससे अच्छा खुद सीख लें, तब आपके पास कांटेक्ट के यहाँ पर आए फिर। अच्छा, तो आपने आने से पहले अपनी सीट बुक कराई थी? हाँ सर, सीट बुक कराई थी अपने। तो अब सबसे पहले ये बताओ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोचिंग में पता नहीं क्या सिखाते हैं, कैसा सिखाते हैं, तो आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा? सर, यहाँ आने के बाद हम ट्रेसिंग सीखे, एस्टमेटिक और आईसी रोबोलिंग सीखे, सॉफ्टवेयर सीखे। एक आध आईसी निकाल के फोन ऑन किए थे, नहीं किए थे? हाँ सर, ऑन किए थे। अच्छा, आप अपना एक आध फोन लेके आए थे अपने साथ? हाँ सर, लाए थे मोबाइल हमारे यहाँ, और भी दुकानदारों को भी दुकान जैसे जहाँ बनवाते तो वहाँ से कई जगह दिए थे, तो लोग उसे डेड घोषित कर दिए थे कि मोबाइल बनेगा ही नहीं। अच्छा। यहाँ पर आए थे, जो आपके मार्गदर्शन में जो हम सीखे थे उसी का अपना दिमाग लगा कि हम सर उसे ऑन भी कर दिए। किस कंपनी का था? वो सैमसंग का था सर। सैमसंग का था, तो उसमें क्या से पहचाना आपने कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर, डीसी मशीन से क्या डीसी सर डीसी मशीन से चेक किए सर, उसकी डिस्प्ले आईसी और सीपीयू दोनों हीट हो रहा था, और हमारे यहाँ भी सब दुकानदार कह चुके थे कि ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा, ऐसा डेड है, इसकी या इसकी नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा, सब बताते थे। तो डीसी मशीन पावर की दवाने पे कितना एम्पियर ले रहा था? 400 एम्पियर ले रहा था। तो एम्पियर उसके स्टॉक हो रहे थे, रुक रहे थे, क्या हो रहा था? रुक रहा था सर, रुक रहा था। तो फिर उसमें क्या कौन सा कंपोनेंट खराब था उसमें? उसके बाद सर हम डिस्प्ले आईसी निकाल दिए, उसके बाद फिर दोबारा सा चेक किए, टेस्ट किए, तो उसमें एक कैपेसिटर था डिस्प्ले लाइन में, वो शॉर्ट थी। तो उस कैपेसिटर को हटाने के बाद, डिस्प्ले आईसी लगाने के बाद में आपका फोन ऑन हुआ था? हाँ सर, उसके बाद। फोन है आपके पास? हाँ सर, उस फोन है मेरे पास। यहाँ पे है? हाँ सर। दिखाओ जरा फोन। तो आपको फोन दिखाओ, कौन सा था ये? देखिए इनके पास में ये फोन है, बटन दबाओ, कोई भी डिस्प्ले दिखाओ इसमें। तो ये जो बता रहे हैं इसमें, हाँ ये सैमसंग का फोन है। तो बता रहे थे कि ये फोन डेड था, और कई जगह दिखाया हुआ इन्होंने, ऑन नहीं हुआ। तो सिर्फ देखिए, चिप लेवल रिपेयरिंग का मतलब है कि आपको पूरा अच्छे से सिमेटिक आना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग आनी चाहिए, ट्रेसिंग आना चाहिए, कूल टेस्टिंग आना चाहिए, जिससे कि आप ये समझ सकें कि फॉल्ट कहाँ पे है, क्या है, किस तरीके से। लेकिन मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, डायरेक्ट आईसी को हीट ना करें, आईसी को हीट करने से कोई फॉल्ट ठीक नहीं होगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। क्या आईसी को ठीक हीट मारने से आईसी ठीक हो जाएगी? नहीं होती। आईसी अंदर से ख़राब है तो आईसी चेंज ही करनी पड़ेगी, लेकिन आईसियाँ ख़राब नहीं होती हैं, आईसी को ख़राब कर दिया जाता है उसको हीट मार के। उससे पहले उसका अच्छे से फॉल्ट चेक करें, फायर उसको चेक करें, कूल टेस्टिंग रीडिंग के द्वारा, इस्मेटिक के द्वारा बारीकी से समझें कि फॉल्ट हमारा आईसी में है या किधर है, जब उसको रिपेयर करें। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने UFI या UMT जो भी सॉफ्टवेयर किया, अपने हाथों से प्रैक्टिकल किए हैं या थ्योरिकल? सर, हम प्रैक्टिकल किए अपने हाथों से। सब अपने हाथों से किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं, आना चाहते हैं, जैसे आप किस जगह के हैं? अयोध्या। जो अयोध्या से वीडियो देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहें? उनसे यही कहेंगे कि आए यहाँ पर सीखें, सर जो बताते हैं सब सही बताते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं जैसे हमारा फीस कम है तो इसमें आपको कुछ कम सिखाया हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, फीस कम है उसका मतलब ये नहीं कम सिखाया था, शायद यहाँ से अच्छा और कहीं ना सिखाया जाएगा, कहीं भी जाकर पता कर लें, देख लें, यहाँ से ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं सिखाया जाएगा। अच्छा, और जो भी काम हुआ आपका प्रैक्टिकल हुआ आपके हाथों से? हाँ सर।
हर काम सर प्रैक्टिकल हुआ है। अब आप जैसे पहले दुकान पर काम करते थे और आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, कुछ अंतर रहेगा या बहुत कुछ रहेगा सर हमें दुकान? ऐसा लगता है कि अब हमारी दुकान पर कोई मोबाइल आएगी, अगर बनेगा तो बन जाएगा सर, अगर हम मना कर देंगे तो शायद हमारे एरिया में क्या फैजाबाद जी हमें कोई बना नहीं पाएगा उसे। अच्छा, आपको स्मैटिक रीड करना आ गया अच्छे से, जी सर स्मैटिक हर रीड फोन करना का, हर फोन का सर। कीपैड, एंड्रॉयड, जी सर आईफोन का भी लिखिए थे? आईफोन का भी किए थे सर। आईफोन का जब आपने रिपेयरिंग सीखी थी तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया नहीं सर, आपने? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया सर। चलिए ठीक है, जो भी भाई आना चाहते हैं नेक्स्ट बैच में अपना बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दो, जैसे कहते हैं कि फोन इंस्टीट्यूट में लेके जा रहे हैं या कहीं भी लेके जा रहे जी हैं आप सर एक्स वाई जेड, तो ऑन नहीं होगा, तो कौन सा फ़ोन ऑन नहीं होगा, किस कारण ऑन नहीं होगा? सर अगर वो ऑन होने की स्थिति में रहेगा, बनने की स्थिति में रहेगा तो सर ऑन हो जाएगा, अगर वो एकदम खराब ही है उस लायक नहीं है तो नहीं ऑन होगा। ऑन होगा ही नहीं, वो हाँ कहीं तो भी नहीं होगा, कहीं भी कैसे? नहीं ऑन होगा सर। पावर आईसी खराब है जी या सर। सीपीयू खराब है, उसमें हाँ नया डालेंगे तभी तो चलेगा तभी वो तो चलेगा सर। डायरेक्ट अभी कैसे? सर हम एक मोबाइल था वो भी डेड था, वो भी डेड था, उसे वहाँ भी लोग मना कर चुके थे, हमारे यहाँ फेमस थे जो जो माइक्रोस्कोप से काम करने वाले यूनिवर्सिटी लेवल काम, वो लोग मना कर चुके थे, उसे यहाँ पर लाए और उसमें जो आईसी गड़बड़ थी उस आईसी को हम टेस्ट किए, पता चल गया उसकी उसको रिवोल्व किए हैं, अभी उसे लगा के ऑन करूँगा उस थोड़ी देर में। तो आपको मालूम पड़ गया था ना हाँ कि यही यही प्रॉब्लम है सर, पता लग गया आईसी क्लियर हो ऑन गया था? क्लियर हो गया। वो लोग ये भी नहीं बताए, वो लोग ये करने की कोशिश भी नहीं किए कि इस चीज़ को चेंज करने पर सही हो सकता है। तो आपको लगता है आप रिपेयरिंग कर लेंगे एक अच्छे से चिप लेवल रिपेयरिंग? हाँ सर कर लेंगे हम। चलिए ठीक है।